हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्ट मोटर्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मारुति सुजुकी के बलिनो के बारे में। बलिनो को न्यू अपडेट दिया और काफी सारे चेंजेस इसके अंदर किए और न्यू फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या अपडेट्स किए गए न्यू बलिनो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई एम योर होस्ट परदीन शेख एंड यू आर वॉचिंग शर्ट मोटर्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट लुक से। न्यू बलिनो जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एंड शार्पर लगती है। अब जो मेजर चेंज है वो आया है ग्रिल में। अब आपको एक वेवी टाइप का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है ग्रिल में। ग्रिल के नीचे आपको मिल जाती है एक बड़ी सी क्रोम की लाइन। अब बात करते हैं हेडलाइट्स की। हेडलाइट्स में आपको मिल जाता है बढ़िया सा प्रोजेक्टर सेटअप। टर्निंग इंडिकेटर में आपको नॉर्मल बल्ब दिया गया है। यह है न्यू DRLs। पहले के भी काफ़ी अच्छे थे बट ये उससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हेडलाइट्स का जो थ्रो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्राइटर है। नीचे आपको मिल जाते हैं फॉग लाइट्स, उसके साथ क्यूट सी क्रोम की लाइन। गाड़ी में आपको मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा, इसलिए आपको सामने कैमरा दिया गया है। आपको दोनों मिरर पर भी कैमरा मिल जाएगा, राइट में भी एंड लेफ्ट में भी। एंड एक कैमरा आपको बैक में भी मिल जाता है। गाड़ी इन तीनों कैमरे की मदद से आपको 360 व्यू प्रोवाइड कर देती है। तो ये है बलिनो का इंजन। पहले की जो बलिनो आती थी उसमें इंजन को नीचे से कुछ कवर नहीं दिया गया था, बट ये बलिनो को अच्छे से कवरिंग दी गई है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की। इसमें गाड़ी की लेंथ 5 mm से एंड हाइट 10 mm से कम हुई है। आपको ऐसा देखने में कुछ फ़र्क समझ में नहीं आएगा, ये काफ़ी माइनर सा डिफरेंस है। मोर और लेस गाड़ी पहले की तरह ही सेम है। अब बात करते हैं गाड़ी की टायर साइज़ की। तो इसमें हमें मिल जाते हैं 195/55 R16 के टायर। 16 इंच के टायर दिए गए हैं गाड़ी में। अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी चेंज किया गया, अब ये काफ़ी ज़्यादा पहले से फ्रेश एंड अपीलिंग लगते हैं। डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं क्रोम में, साथ ही में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं बोथ ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड में। ORVM पे आपको मिल जाते हैं टर्निंग इंडिकेटर्स एंड कैमरा। अब चलते हैं रेयर की तरफ। रेयर में आपको मिल जाता है बड़ी सी क्रोम स्ट्रिप जो कि पहले भी आती थी, नेक्सा का लोगो। रेयर में जो मेजर चेंज आया है वो आया है लाइट्स में। लाइट्स के थोड़ा एक्सटेंड किया गया है एंड आगे की तरह ही आपको पीछे भी 3 dots लाइट मिल जाती है। एंड ये लाइट रात में काफ़ी ज़्यादा ग्लो करते हैं। आपको मिल जाता है रेयर वाइपर, नीचे रेयर कैमरा, उसी के साथ सुजुकी का लोगो। गाड़ी में आपको मिल जाते हैं 4 sensors, 1, 2, 3 and 4। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के बूट की। बूट ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले मिल जाती है पार्शल ट्रे। बलिनो की जो बूट की कैपेसिटी है वह 318 लीटर की, जो कि मोर देन इनफ है गाड़ी के साइज़ के हिसाब से। बूट के नीचे आपको मिल जाता है स्पेयर टायर जो कि है 185/65 R15 का, एंड जो अपने गाड़ी के मेन टायर है वो है 16 इंच के। अब आ गए हम गाड़ी के अंदर। डोर साइड टॉप में अपने को मिल जाता है मैट ब्लैक फिनिश, मिडल में मिल जाता है हार्ड प्लास्टिक एंड नीचे लेदर फिनिश। विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। इधर अपने को मिल जाते हैं ORVM के कंट्रोल्स। ये बटन से आप ORVM क्लोज एंड ओपन कर सकते हो। ये है विंडो लॉक्स एंड उसी के बाजू में डोर लॉक्स के बटन। पीछे आपको मिल जाते हैं विंडो के कंट्रोल्स। ड्राइवर साइड विंडो ऑटो रोल अप एंड ऑटो रोल डाउन के साथ आती है। नीचे आपको मिल जाता है बॉटल होल्डर्स एंड साथ ही में स्पीकर। ड्राइवर साइड में आपको मिल जाता है HUD का बटन, उसके साइड में उसका ब्राइटनेस एडजस्ट करने का बटन एंड पोजीशन सेट करने के लिए बटन्स। नीचे आपको मिल जाता है व्यू का बटन, इसका यूज़ मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उसी के बाद आपको मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन और नीचे ऑटो ऑन ऑफ का बटन। इसका यूज़ यह है जैसे कि आप सपोज सिग्नल पे रुके और आपने ब्रेक प्रेस किया है तो गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, और जैसे ही आप ब्रेक रिलीज करोगे गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। इससे आपका फ्यूल भी बचता है एंड एवरेज भी गाड़ी अच्छा देती है।
ये है हेडलाइट लेवलर एंड साइड में इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन। अब बात कर लेते हैं HUD की, हेड अप डिस्प्ले। इसका मतलब है कि आप बटन प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली ऐसा ऊपर आ जाएगा एंड इसके अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे अभी ये मेरा राइट साइड का डोर खुला है तो ये बता रहा है राइट साइड का डोर खुला है। जैसे मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये अपने को बताएगा स्पीड, नीचे डेट एंड टाइम, साथ ही में गियर का पोजीशन एंड काफ़ी सारी अदर इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर आपको पोजीशन एडजस्टमेंट मिल जाता है, ये बटन से आप इसका पोजीशन एडजस्ट कर सकते हो अप एंड डाउन। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो ये बंद भी हो जाता है। जो HUD का बटन है उसको आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा तो ये बंद हो जाता है ऐसे। तो मेजर जो अपडेट है इंटीरियर में सुजुकी को ये मिला है कि इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आप बड़ा कर दिया, थोड़ा हेड अप टाइप दे दिया गया है और इसके अंदर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि ये क्लॉक है, ये ब्लूटूथ का, इसके अंदर आप एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कनेक्ट का है तो इसको आप क्लिक करोगे तो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अभी अपन नहीं करेंगे। ये सेटिंग्स है, सेटिंग में आपको काफ़ी सारे डिटेल्स मिल जाती है, जैसे आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले डेट एंड टाइम, लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग आपको है ये लॉक कर सकते हो ड्राइविंग के टाइम, तो उसका भी ऑप्शन है। और देखते हैं क्या है इसमें अंदर। इधर आपको वॉच मिल जाएगी, इधर आपको एवरेज बता देगा कितना, इधर आपको रेंज भी मिल जाएगी कितनी है और इधर आपका म्यूज़िक अभी मैं नहीं चला रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। अगर आपको म्यूज़िक देखना है गाड़ी का कैसा है तो मैं इंस्टाग्राम पे एक रील डाल दूंगा, आपको उसमें पता चल जाएगा कि कैसा म्यूज़िक है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए। बलिनो की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप 360 डिग्री कैमरा प्रोवाइड कर दिया, इसके लिए एक डेडिकेटेड बटन दिया है कंपनी ने यहाँ पे व्यू का, तो आप इसको ये दबाओगे तो ऐसा आपको पूरा 360 राउंड मिलेगा इसके अंदर, जो आपको अच्छे से पूरा क्लैरिटी से दिख जाता है कि आपके आजू बाजू क्या है। इससे आप इसका व्यू भी चेंज कर सकते हो, ये दबाओगे तो ये और एक बार 360 राउंड लेगा, बट ये अलग एंगल से लेगा, जो ज़्यादा क्लोज एंगल है उससे लेगा। आपको अगर चाहिए तो आप इसको यहाँ पे पॉज भी कर सकते हो, जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ पर आप इसको पॉज कर सकते हो। जैसे कि मेरे को पीछे का देखना है तो मैं ऐसा पीछे पॉज कर सकता हूँ, आप ये दबाओगे तो ये दूसरा जो पूरा राउंड है वो भी कर देगा, जो पूरी जिसमें पूरी गाड़ी दिख जाती है। और इसको भी आप यहाँ से ये पॉज का बटन दबा के पॉज कर सकते हो, यहाँ पर यहाँ से इसका ब्राइटनेस जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, ये जो ब्राइटनेस है आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हो, और ये जो रीसेट है वो भी कर सकते हो। जो कंपनी ने जो डिफॉल्ट सेटिंग दी आप उसी पे इसे रहने दो, जैसे कि देखिए सामने जो गाड़ी है वो मेरे को पूरा क्लियर दिख रही है, इसमें सनलाइट है तभी भी अच्छी दिख रही है। नीचे आपको मिल जाता है AC वेंट जो कि क्रोम फिनिश में एंड साथ ही में हैजार्ड लाइट का बटन, AC के कंट्रोल्स। बलिनो की अच्छी बात है कि इसमें आपको बेस वेरिएंट से ऑटो AC मिल जाता है। अब आपको ऑटो AC के लिए टॉप वेरिएंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेस वेरिएंट में ही ऑटो AC मिल जाएगा। एंड इसमें आपको मिल जाता है दो चार्जिंग सॉकेट, एक 12 वोल्ट का एंड एक USB, एंड यहाँ दो कभी होल्स, एक लीटर की तो नहीं बट छोटी बॉटल इसके अंदर बैठ सकती है। सबसे पहले तो मेजर जो चेंज है वो स्टेयरिंग व्हील में आया है। स्टेयरिंग व्हील जो है ये सुजुकी का जो स्विफ्ट में आता है वही सेम स्टेयरिंग व्हील है, जो बलिनो में जो आता था वो नहीं आता है, इसमें चेंज किया गया है। जो फ्लैट बॉटम जो स्टेयरिंग है वो इसमें दिया गया है। तो आप ये साइड देखते हो तो ये साइड जो है अपना हेडलाइट्स के कंट्रोल से ये ऑटो है, या आप मैनुअली सेट कर सकते हो ऑटो पे। आप जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तो लाइट्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, जो कि ये इंडिकेटर्स के लिए है। तो ये साइड देखते हैं तो ये साइड जो अपना वाइपर्स के कंट्रोल्स है, और ये जो है ये रेयर के लिए, आप ऐसा करोगे तो रेयर का जो है वो चालू हो जाएगा और ये करोगे तो ऑफ हो जाएगा। स्टेयरिंग के नीचे आपको मिल जाते हैं कॉइल एंड वॉइस के कंट्रोल्स, यहाँ आपको मिल जाता है वॉलेट रखने के लिए स्पेस, एंड नीचे आपको दिए गए बटन बोनेट खोलने के लिए एंड फ्यूल लिड खोलने के लिए। यह है हैंड ब्रेक एंड साथ ही में आर्मरेस्ट के अंदर भी थोड़ा सा स्पेस है। आर्मरेस्ट की अच्छी बात है जो कि ये मूविंग दिया गया है, आप इसको आगे पीछे इजीली कर सकते हो। एंड यह है ग्लव बॉक्स जो कि काफ़ी डिसेंट साइज़ का है, आप इसके अंदर आराम से डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हो। एंड को ड्राइवर साइड पे भी आपको मिल जाता है बॉटल होल्डर। सन ब्लाइंड के साथ आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर प्लस लाइट बोथ साइड। ये छोटी सी चीज़ है बट काफ़ी कार मेकर इसको मिस कर देते हैं, बट बलिनो में अपने को ये सब मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
एंड इसमें अपने को मिल जाता है ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर। अभी बात करते हैं सीटिंग की, तो सीटिंग में जो ये है सुजुकी ने सीट्स को भी अपडेट किया है। ये जो है आपको कुशनिंग अच्छा मिल जाता है। साइड में जो बकेट टाइप सीट है ये दे दिया गया है, जो आपको लंबे जब ट्रैवलिंग पे जाओगे तो ज़्यादा थकान नहीं होगी इसके अंदर। तो ये ऐसा कुछ डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। महिलाओं का जो रेयर सीटिंग वो भी काफ़ी अच्छा है, जो अंडर थाई सपोर्ट है वो भी काफ़ी आपको अच्छा मिल जाता है। इसमें आपको बैठने के लिए कोई इश्यू नहीं होगा, और जो सामने जो स्पेस है वो भी काफ़ी, मेरी जो सीट है वो मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट की गई है, जो कि है 5.8 जो मेरी हाइट है। लेकिन आपको ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं होगी, आप एकदम आराम से बैठ सकते हो पैर लंबे करके। और जो हेडरूम है वो भी काफ़ी अच्छा है। सुजुकी की अच्छी बात है, जो इन्होंने अभी बलिनों में रेयर एसी विंड भी दे दिए गए हैं, पहले नहीं आते थे बट अभी प्रोवाइड कर दिया गया है इधर। लेकिन आपको फ्लो कंट्रोल का तो बटन नहीं मिलता है, बट आपको डायरेक्शन कंट्रोल करने के बटन इधर मिल जाते हैं, इधर से आप इसको लेफ्ट राइट कर सकते हो। तो इधर दो USB पॉइंट दिए गए, इधर एक USB है और इधर एक सी टाइप दिया गया है। तो इधर जो है आप छोटा सा कंपार्टमेंट भी दिया गया है, इधर आप अपना फ़ोन चार्जिंग को लगा सकते हो। पीछे की सीट्स की अगर बात करते हैं तो पीछे की जो सीट्स है वो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी कम्फर्टेबल। रेयर में आपको मिल जाते हैं दो हेडरेस्ट, मिडल पैसेंजर के लिए नहीं दिया गया है, एंड पीछे आपको आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता है। इसमें आपको मिल जाते हैं 6 एयरबैग्स एंड ABS प्लस EBD। ठीक है, तो ये था अपना बलिनो का इंटीरियर और एक्सटीरियर का रिव्यू। अभी देखते हैं ड्राइविंग में अपने को क्या क्या देखने को मिलता है, तो चलिए गाड़ी चला कर देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम गाड़ी चलने में कैसी, तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। और पहले तो सीट बेल्ट पहनते हैं, सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है, आप भी पहनिए। चलिए अभी जो है अपने को मिलता है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, उसको डालते हैं ड्राइव में। अभी ड्राइव में आ गया तो हम चलते। जब गाड़ी चलाने की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है इंजन की, तो इंजन की बात कर लेते हैं। अपने को जो बलिनो है उसमें मिल जाता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, वो निकाल देता है 90 BHP की पावर। और जो न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है वो आपको मिल जाता है 113 का, 113 का न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिल जाता है, जो कि काफ़ी मोर देन इनफ है। आप सिटी ड्राइविंग में भी चलाओ या हाईवे पे चलाओ, आपको कुछ ऐसा खास दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर, कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपकी गाड़ी की पावर कम है। सुजुकी ने काफ़ी अच्छा ट्यून किया है इंजन को। जो टर्निंग रेडियस जो है स्टेयरिंग का वो भी काफ़ी अच्छा है। आपको जो स्टेयरिंग है वो काफ़ी लाइट वेट है, आप इसको एक फिंगर से भी घुमाएंगे तो ये घूम जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा, कि आपको लगेगा कि स्टेयरिंग जो है वो फील एंड फीडबैक नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेयरिंग जो है वो काफ़ी अच्छा ट्यून किया गया है। आप स्टेयरिंग जो लाइट है फिर भी आपको अच्छा फील एंड जो फीडबैक है वो मिल जाता है स्टेयरिंग से। तो अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की, तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये काफ़ी ख़राब रास्ता है, बट ऐसा अंदर उतना फील नहीं हो रहा है। मतलब बलिनो के जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छे ट्यून किए गए हैं। आप ख़राब रास्ते पर भी इसे चलाओगे तो आपको उतना फील नहीं होगा, जैसे कि आप देखिए बहुत ख़राब रास्ता है आगे, बट गाड़ी में उतना फील नहीं हो रहा है। तो सस्पेंशन जो है वो सॉफ्टवेयर साइड पर है, उसकी बात की जाए तो गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। आप जो है इसका अगर एक्सेलेटर पर अगर सिर्फ पैर भी रखोगे तो गाड़ी एकदम अच्छे से निकल जाती है। तो ऐसा कुछ आपको ऐसा लैग वीक फील नहीं होगा स्टार्टिंग में। अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं AMT, तो AMT जो है ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। जो CVT आता था वो बलिनो ने अभी हटा दिया है, उसकी जगह AMT लाया गया है। सुजुकी जो है उन्होंने इतना अच्छे से ट्यून किया है, तो इसमें भी आपको कुछ ऐसा जो पहले जो जर्क फील होते थे अब वो काफ़ी कम हो गए, मतलब काफ़ी नहीं तो नहीं ऐसा बोल सकेंगे अपन, लेकिन काफ़ी कम हो गए। जो CVT था उसके जो कंपेरिजन है उसके अंदर तो नहीं आएगा ये, बट जर्क जो है काफ़ी कम हो गए। जो स्टेयरिंग का जो टर्न रिस्पॉन्स जो है, टर्न करने में जो स्टेयरिंग का जो फील है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि स्टेयरिंग जो है वो काफ़ी लाइट है। जैसे आप देखो यहाँ पे टर्न है, तो मैं इसको एक फिंगर से भी अगर करूँ तो ये हो जाएगा। देखिए एक फिंगर से भी करा तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेयरिंग बहुत लाइट है। अब बात कर लेते हैं इसे कॉम्पिटिशन की, जो इसे इसके साथ जो गाड़ी है वो कॉम्पीट करते हैं वो है जो टाटा की अल्ट्रोज आती है वो भी है, और जो i20 आती है वो भी है। तो आप ये तीनों में से कोई भी एक प्रीफर कर सकते हो। जो इनमें से इनका जो डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। जो i20 जो है वो अच्छी है, उसका डीजल इंजन भी अच्छा है, पेट्रोल इंजन भी अच्छा है, बट जो i20 है वो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा एज कम्पेयर टू बलिनो। और जो ये अल्ट्रोज है उसका जो पेट्रोल इंजन है उतना मेरे को उतना पसंद नहीं आया, मैंने वो भी ड्राइव किया है। पेट्रोल इंजन अल्ट्रोज का उतना खास नहीं है, डीजल इंजन अगर आप चाहते हो कि आपको डीजल इंजन चाहिए तो डीजल इंजन टाटा अल्ट्रोज का काफ़ी अच्छा है, आपको अगर चाहिए तो आप वो ले सकते हो। या तो फिर आप अगर ऐसी गाड़ी देख रहे हो जो लुक में भी अच्छी हो, परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा हो, और जो आफ्टर सेल्स एंड सर्विस है वो भी अच्छी हो, तो आपको बलिनो प्रीफर करनी चाहिए, क्योंकि बलिनो का जो सेल्स एंड सर्विस है वो भी अच्छा है, और जो आफ्टर मार्केट जो रिसेल वैल्यू है वो भी काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी।
एज कम्पेयर टू टाटा एन i20। तो मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ, अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है, बजट अलाउ करता है, तो आप i20 को प्रीफर करिए, पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन दोनों भी ले सकते हो, दोनों भी काफी अच्छे इंजन है। अगर आपको आपको चाहिए कि आप अगर सेफ्टी देख रहे हो कि आपको 5-star रेटिंग चाहिए और जो डीजल इंजन चाहिए, तो आप अल्ट्रोस की तरफ जा सकते हो, या आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो दिखने में भी अच्छी हो, परफॉर्मेंस भी अच्छा हो और जो बजट फ्रेंडली भी हो, तो आप बलिनो को प्रीफर कर सकते हो। तो ये था हमारा रिव्यू ऑन बलिनो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और लाल कलर का आपका सब्सक्राइब बटन दिखे उसे भी प्रेस करिए, और उसके बाद जो बेल आइकॉन है उसे भी आप दबाइए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक और एक नई गाड़ी के साथ जल्दी। Till then, be safe, drive safe and respect your parents.